सर्दियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में आपने देखा होगा हर किसी को खांसी, जुकाम, कफ की प्रॉब्लम्स अक्सर बन जाती है। तो ऐसे में आपके लिए हम तेजपत्ता अदरक से एक कफ रेमेडी बनाएंगे और आप उसको 3 दिन तक यूज करेंगे। इसका आप 3 दिन तक केवल सेवन करेंगे ना, तो आपकी जड़ से एलर्जी हो, किसी तरह कोई इन्फेक्शन हुआ हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। आइए दोस्तों, तो इस काढ़े को बनाने के लिए हम कुछ सामग्री ले रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये तेज पत्ता लिया है। तेज कफ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जितना भी हमारा फालतू का कफ जमा हुआ होता है, सारा कफ ये बाहर निकाल देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज पत्ता को आयुर्वेद में एक आयुर्वेदिक औषधि भी माना गया है। तेज पत्ते के सेवन करने के बहुत से फायदे होते हैं। तेज पत्ते को आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं, इसके बहुत से आपको फायदे मिलेंगे। तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। अब देखिए, इस काढ़े को बनाने के लिए हमने ये तेज पत्ते के 5 पत्ते ले लिए हैं और इसको हमने पहले थोड़ा सा धो लिया है जिससे कि इसकी धूल मिट्टी निकल जाए। और इसके बाद देखिए, हम ले रहे हैं ये अदरक। हमने 2 इंची अदरक ले लिया। अदरक और तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। सांस की नली में किसी तरह कोई सूजन हो उसको भी ये दूर करता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। और ये देखिए, इसके बाद हम ले रहे हैं लौंग। लौंग हमने ये 4 पीस में लिए हैं और ये हमने फूल वाली लौंग ली है। आपको भी फूल वाली लौंग लेनी है, इसका ही हमें फ़ायदा मिलता है। जब हम फूल वाली लौंग को काढ़े में डालेंगे तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे। खांसी जुकाम में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इसके बाद देखिए, हम ले रहे हैं तुलसी के पत्ते। तो हमने 5 पीस तुलसी के पत्ते के लिए हैं। आप पत्ते ज़्यादा भी ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। ये सर्दी, जुकाम, खांसी को भी दूर भगाने का काम करते हैं इसके पत्ते। और इसके बाद देखिए, हम ले रहे हैं दालचीनी। दालचीनी के हमने 3 टुकड़े ले लिए हैं, छोटे टुकड़े हैं। दालचीनी से बहुत से फायदे होते हैं। ये किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो हमारे, उस इन्फेक्शन को भी दूर करता है। डाइजेशन प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। और इसके बाद देखिए, हमने ले ली है ये काली मिर्च। काली मिर्च खाने के भी अपने अलग ही फायदे होते हैं, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती, गले में किसी तरह की खांसी हो, खराश हो, उसको भी दूर भगाती। चलिए अब काढ़ा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए गैस की फ्लेम पे एक हमने देखिए पॉट रख लिया है। इसमें हमने पानी डाला है 2 गिलास। 2 गिलास भर के हमने पानी डाला है। जो नॉर्मल गिलास हम घर में यूज़ करते हैं, उसी गिलास से हमने 2 गिलास पानी डाल लिया। और इसमें अच्छा उबाल लाना है हमको। जब ये उबलने लग जाता है तो हम इसमें सामग्री डालेंगे। तो देखिए, पानी उबल रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो ये तेज पत्ता जो हमने रखा है, इसको हम डाल देते हैं। आप चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। हमने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि इसमें अच्छे से अर्क अपने आप आ जाएगा। जब ये उबले हुए पानी में अच्छे से जब पकेगा तो इसमें अर्क सारा हमारे तेज पत्ते का निकल के आ जाएगा। और इसके बाद देखिए, हम इसमें डाल देते हैं अदरक। जो अदरक हमने 2 इंच ली थी उसको हमने कस लिया है, हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमने दालचीनी के टुकड़े लिए उसको भी इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ये लौंग। जो हमने 4 लौंग लिए उसको भी डाल देते हैं। और इसमें जो भी हमने सामान लिया जैसे कि तुलसी के पत्ते, उसे भी डाल देंगे। और इसके बाद जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है उसको भी इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इन सभी चीजों को पानी में तब तक उबालेंगे जब तक कि 2 गिलास पानी से 1 गिलास पानी हमारा ना हो जाए। जब ये पकते पकते 2 गिलास से 1 गिलास हो जाएगा तो जो भी हमने इसमें सामग्री डाली है, सभी चीजों का अर्क अच्छे से पानी में आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसे बीच बीच में चम्मच की हेल्प से चलाते रहिए और इसे धीमी फ्लेम पे इसी तरीके से पकाते रहिए। आपको धीमी फ्लेम पे इस काढ़े को बनाना है और केवल 10 मिनट में ये काढ़ा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का जुकाम हो रहा हो, गले में खराश हो रही हो, खांसी हो, आपके गले में दर्द हो, इस काढ़े को आप 3 से 4 दिन पी लेंगे तो आप देखिएगा, आपके लिए ये काढ़ा बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होगा। अब देखिए, इस काढ़े को बनते हुए हमारे 10 से 12 मिनट हो गए और 2 गिलास से हमारा ये जो काढ़ा है 1 गिलास बन चुका है। अब इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और चलिए 1 गिलास में इसको हम छान लेते हैं जिससे कि इसमें डली हुई जो भी सामग्री वो अलग हो जाए और ये काढ़ा हमारा अलग हो जाए। तो देख रहे हैं आप, इसमें कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा निकला हुआ अर्क है उसी का ये कलर है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है।
अब देखिए इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। ये कलर जो है हमारी जो हमने सामग्री डाली है उसी का निकला हुआ अर्क है, उसी अर्क से ये कलर हमारा बन गया है। और देखिए अभी ये गरम गरम है और इसको देखिए लेने की अलग अलग विधि होती है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो बड़ा हो ये पूरा ग्लास एक बार में पी जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है, जैसे 2 साल का कोई बच्चा है, 2 से 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसके लिए 1 चम्मच ही काफ़ी है। 1 चम्मच आप इस काढ़े को दीजिए और उसमें आप 3-4 चम्मच पानी मिला लीजिए और गरम गरम ही पिला लीजिए, और पानी भी आपको गरम मिलाना है इसमें और दे दीजिए बच्चे को, तो काफ़ी आराम मिलेगा और खाली पेट में दीजिएगा। और देखिए कोई बड़ा बच्चा है 10 साल तक का, तो आप उसको कम से कम इसमें से 3 चम्मच दीजिएगा और 3 चम्मच में आपको थोड़ा गर्म पानी 5-6 चम्मच मिला देना है और दे देना है। और आप किसी बड़े व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप कम से कम इसके 5 चम्मच लीजिए। 5 चम्मच आपको ये काढ़ा लेना है और उसमें आप 1 कप गर्म पानी मिला लीजिए और उसको फिर दीजिएगा। अगर आपने किसी बड़े आदमी को दिया है तो आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये हमें फ़ायदा भी देगा। या फिर आप इसमें शहद डाल के भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। अगर आप शहद ना डालना चाहें या घर में शहद अवेलेबल ना हो तो आप सेंधा नमक मिला लीजिए, उसके भी फायदे होंगे। और अगर आपके घर में शहद अवेलेबल है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब देखिए इस ग्लास में हमने किसी बड़े व्यक्ति का डोज बना लिया है, अब इसमें 1 चम्मच शहद डाल दे रहे हैं और इसमें मिक्स करने के बाद इसको गरम गरम ही पी जाएंगे। फिर आप देखिएगा आप 3-4 दिन केवल इसका सेवन करेंगे ना, आपको काफ़ी फ़ायदा नज़र आएगा, आपका इन्फेक्शन जाता रहेगा, आपके गले में खराश है वो खराश भी आपकी चली जाएगी, खांसी है जुकाम है इसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स एक बार इस काढ़े को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो लेकर तुरंत आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।